हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस क्विक ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को वाइड स्ट्रेच मीम इफेक्ट क्रिएट करना सिखलाऊंगा अडोबी प्रीमियर प्रो पर। पुतीन साहब का ये वाइड स्ट्रेच वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, काफ़ी मीम में ये यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से क्रिएट किया गया है। ओके, तो सबसे पहले एक वीडियो को ड्रैग कर लेते हैं टाइमलाइन पर और यहाँ पास ये एक पॉपअप आ जाएगा मिस मैचिंग वार्निंग का। इसको आप कर दें कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, जिससे आपका सीक्वेंस चेंज ना हो जो आपने क्रिएट किया होगा। तो ये सिंपल वीडियो है, आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पास आना है आपको इफेक्ट कंट्रोल पर। ओके, तो वाइड स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहले आप यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक कर देना है। अनचेक करने के साथ ये दो आपकी वैल्यू खुल जाएगी, स्केल विथ एंड स्केल हाइट। स्केल हाइट से आप इसको इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं और स्केल विथ से आप इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। और जो पुतीन साहब का वीडियो है वो इसी तरह से क्रिएट किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पास वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। परफेक्ट। अब एक और तरीका देख लेते हैं स्ट्रेच करने का वीडियो को, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कुछ नया सीखने में। तो इफेक्ट पर आकर सर्च करें क्रॉप इफेक्ट, ड्रैग कर देना है वीडियो वाले लेयर पर। यहाँ पास क्रॉप कर देना है दोनों तरफ से, राइट की तरफ से भी कर लेंगे और लेफ्ट की तरफ से भी। इतना आप कर लें कि वीडियो नज़र आए, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये क्रॉप तो थोड़ा सा कम कर देते हैं। परफेक्ट। तो ये पूरे फ्रेम में अब आ चुका है क्रॉप के साथ भी। अब इसको स्ट्रेच करने के लिए इस जूम वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, तो ये इस तरह का स्ट्रेच क्रिएट हो जाएगा। आई होप आप लोग कुछ नया सीखोगे इस ट्यूटोरियल से। इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। थैंक यू।